दान बाऊ। अदनान बाऊ जीरा, तुम कासू, तुम लोग इस वक्त कहाँ पर? अंदर 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 छोड़ उसको यार जीरा। तुम लोग इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ क्या है? और काम पे थे अदनान बाबू, ये तो शुक्र कर वक्त पे तूने दरवाजा खोल दिया, वरना फिर पकड़े जाते हैं। क्या क्या मतलब आज फिर तुम्हारी बैठक पे पुलिस आई थी? नहीं नहीं अदनान बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम वहां से गुजर रहे थे, वहां पुलिस वाले खड़े हुए थे, तो उन्होंने हमें शक की निगाह से देखा, तो हम भाग के यहाँ आ गए। पुलिस सायरन, पुलिस यहाँ तो नहीं आ जाएगी? अदनान बाबू याद आया यार, ये पकड़, ये तेरे 5,000 रुपए, उस दिन जुआ तू जीत गया था, तेरा मेरा हिसाब क्लियर हो गया। वो आज हम इधर सो जाएंगे, कोई मसला तो नहीं है? अदनान बाबू भाई है हमारा, हमें थोड़ी मना करेगा यार, चल आ जा यार। अच्छा तो ये हकीकत है जी अंकल, मगर प्लीज पापा से आप कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। और आंटी, उनका रवैया पापा के साथ भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन ये समरा भाभी किस टाइप की औरत है जिसकी वजह से ना उनका शौहर सुकून में और ना ही उनका बेटा? मैं उनका बेटा कहाँ हूँ आंटी, उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा, वो कभी मेरी माँ नहीं बनी। चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम दोनों हौसलों से दरगुजर से काम लिया करो, उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये अपनी लगाई हुई आग में खुद जल जाते हैं, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती है। बस तुम समझो कि तुम्हारे पापा की वाइफ है, बस पापा की वाइफ ही है, मेरे लिए तो वो एक सजा है। पापा के लिए भी उनके पास टेंशन के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे बदतमीजी से बात करती हैं उनसे कि कभी कभी तो मुझे उन पर गुस्सा आ जाता है। अगर पापा हर हाल में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी मुझ पर इल्जाम, कभी नुक्ता चीनी, शादी से पहले एक बार मुझ पर भी उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा दिया था। चोरी का इल्जाम? कितनी बुरी बात है। होते हैं लोग ऐसे समीना, कुछ जन्मों के बिगड़े होते हैं, कुछ कर्मों के बिगड़े होते हैं। जन्मों के बिगड़े तो शायद कभी ना कभी संवर जाते हैं, लेकिन कर्मों के बिगड़े कभी नहीं संवरते। क्या ये जो पैसे तुम लोगों ने कल मुझे दिए, किससे छीन कर लाए हो? हाँ अदनान बाबू, ये तुम लोग कर क्या रहे हो यार? ये क्या, ये पकड़ो अपने पैसे, ये पकड़ो अपने पैसे, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। ऐसी बात ना कर अदनान बाबू, हमें जरूरत थी पैसों की। जरूरत थी का क्या मतलब है, तो जिससे छीन कर लाए थे उसको जरूरत नहीं थी? किसी के पैसों से अपनी जरूरत कौन पूरी करता है? वो कहा ना यार, गलती हो गई, थूक दो गुस्सा। क्या मतलब थूक दो गुस्सा? हाँ क्या मतलब थूक दो गुस्सा? मैं क्या समझा रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे शर्म आ रही है तुम दोनों को अपना दोस्त कहते हुए? निकलो मेरे घर से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। अजीब आदमी है यार।
अदनान बाबू मुझे आजकल का लड़का नहीं लगता, ये तो मुझे कुछ दरवेश लग रहा है। मुझे लगता है कि यह हमारी बातों में नहीं है, लेकिन खैर मैं इसे समझा लूंगा। सॉरी तानिया, मैं जानता हूं तुम बहुत डिस्टर्ब हो, वहां जो कुछ भी हुआ वॉज रियली एम्बैरेसिंग फॉर मी, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो गया। सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जैसा वो कह रही थी, इसलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं कल से रिजाइन कर रही हूं। What? तानिया तुम क्या कह रही हो? सर मैं फेस नहीं कर सकती, ऑफिस के वो लोग, वो सारा स्टाफ मुझे तंजन मुस्कुरा कर देख रहा था, मैं वो मंजर भूल नहीं सकती। You know what, तानिया? अभी तुम बहुत यंग हो, अभी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है जो चैलेंजेस से भरी हुई है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग और दुनिया वाले हालात तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाएंगे? नहीं, ये रास्ता कांटों भरा है, ये तो सब कुछ होगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि इनसे डरकर, इनके तानों बातों से हम अपना रास्ता बदल दें। सर लेकिन तुम उसी वकार और कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस आओगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर कोई अगर मगर, तुमने अभी तक रिजाइन नहीं किया, एंड आई एम स्टिल योर बॉस। ऐसी कोई बात नहीं, मैं जॉब करूं या ना करूं, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूं। अरे भाई अगर दिल से रिस्पेक्ट करती हो तो फिर कोई बहस नहीं चाहिए मुझे, बात यहीं खत्म होती है। कल आ रही हो तो, और कॉफी का बिल भी तुम देगी। कम ऑन रिलैक्स। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, वो मेरा पर्स छीन रहे थे। आप रिलैक्स हो जाए, मैं चले गए, आपका पर्स नहीं छीन सकते। आप कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ फार्मेसी तक जा रही थी अपनी बच्ची की दवाई लेने, वही पैसे ये लोग छीन रहे थे। अच्छा आप परेशान हो, आप आए, मैं आपको फार्मेसी तक छोड़ देता हूँ। आपको तकलीफ होगी, मैं चली जाऊँगी, वो फिर आ गए तो? वो नहीं आएंगे, आप परेशान हो, आप पहले खुद को नॉर्मल करें, और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ आपको फार्मेसी तक छोड़ देता हूँ। जैसी औरत के साथ उलझना ही नहीं चाहता, दरअसल तुम मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो। मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं, शाहीन ने ऐसा क्यों कहा मुझे? अगर मैं उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं तो फिर कौन है उसकी मोहब्बत के काबिल?
कहीं वो तो नहीं जो उसके ऑफिस में काम करती है। देख लूंगी मैं। वैसे आपके बच्चे को हुआ क्या है? हेपेटाइटिस है उसे। डॉक्टर्स कहते हैं दवा के साथ उसे दुआ की भी जरूरत है। उसका मेरे सिवा और मेरा उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, और उसे कुछ हो गया तो मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। आपके हस्बैंड वो क्या करते हैं? 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। खैर भाई, ये सामने ही मेरा घर है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। मैं भी वैसे यहाँ 2 गलियाँ छोड़ कर ही रहता हूँ। आप ये मेडिसिन लें, आप अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। भाई आईना मेरी बेटी से मिले, बहुत खुश होगी वो आपसे मिलके। यही है, यकीनन यही है, यही है जिसकी वजह से मैं राहिल की नजरों में उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं रही। छोड़ूंगी नहीं इसको, देख लूंगी। क्या डाकू आपके पैसे छीनने लगे थे? हाँ बेटा, अगर ये ना होते तो आपकी दवाई ना आती। मम्मा ये कौन है? मैं आपका दोस्त हूँ बेटा। थैंक यू दोस्त, आपने मेरी अम्मी की मदद की। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आप दोनों यहाँ इस घर में अकेले रहते हैं? जी, ये इसके बाबा का घर है। इनके अबू पुलिस में थे, डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। फिर कुछ पैसे मिले वो इसकी इलाज पे खर्च हो गए, और अब जो पैसे मिलते हैं पेंशन के वो इसकी दवाइयाँ आ जाती हैं। डॉक्टर ने बोला था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और आप स्कूल भी जाया करूंगी। अब मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन जाऊंगी, और फिर मैं इतने सारे पैसे ला दूंगी और प्रेम भी बन जाया करूंगी। देखा, तुम्हें खांसी शुरू हो गई। चलो मैं तुम्हें दवाई दे दूँ। चले, आप इसका ख्याल रखिएगा और अपना भी। मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। दोस्त आपने तो बताया नहीं आप कहाँ रहते हैं। मैं बेटा ये 2 गलियां छोड़कर 12 नंबर मकान में। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आपसे मैं ना आपके घर आऊंगी। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी से ठीक हो जाना और जल्दी से आना। अल्लाह हाफिज़।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस राहिल बात कर रही हूँ। जी 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 मैम। राहिल ऑफिस में है? नहीं मैम, अभी तक तो वो ऑफिस नहीं पहुँचे। ऑफिस नहीं पहुँचे? जी। अच्छा मेरी बात सुनो। जी मैम। वो जैसे ही ऑफिस पहुँचे मुझे फौरन मैसेज करना। जी ओके हो गया मैडम। और हाँ, राहिल पर नजर भी रखना कि वो आजकल कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारी रिपोर्ट मुझे देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मैम, मैं हर बात की आपको इतला देता हूँ। और एक बात, राहिल को इस बारे में कतई पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुमसे इस बारे में बात कर रही हूँ। जी मैं तुम्हारे मैसेज का वेट कर रही हूँ। लव। क्या लगता है तुम लोगों को, जो अभी हरकत तुम लोग करके आए हो, किसी ने तुम्हें देखा नहीं होगा, पहचाना नहीं होगा? मैंने देखा अपनी आंखों से तुम्हें और पहचान भी लिया। जानते हो जिस औरत का तुम लोग पर्स छीनने की कोशिश कर रहे, एक मासूम लाचार बेबस माँ जो अपनी छोटी सी बच्ची के लिए दवाई लेने जा रही थी, जो हेपेटाइटिस की लास्ट स्टेज पर है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोगों की कंप्लेन कर दूं, लेकिन तुम लोगों के साथ खाया पिया उठा बैठा हूं, इसलिए तुम लोगों का लिहाज करो। और पहली और आखिरी दफा तुम दोनों को मौका दे रहा हूं, अगर आज के बाद कोई इस तरह की घटिया और नीच हरकत की ना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अदनान बाबू, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लो इसको समझाने की, जितनी मर्जी नसीहतें कर लो, ये कासू बड़ा ढीठ है। बाबू वो नहीं कहते, जिसको एक बार छीन के खाने की आदत पड़ जाए ना, वो फिर सारी जिंदगी कमा के नहीं खा सकता। वो ये साहब है इसका। और रहने दे, तू तो जैसा बड़ा अकलाल की कमाई कमाता है ना, जो मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? बताओ मैं तेरे को क्या करेगा तू? अरे यार तुम लोग रुको, क्या लड़ाई शुरू कर दी तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ, इस तरह दूसरों की खुशियां चुराने वालों से मुझे शदीद नफरत है। अगर तुम दोनों चाहते हो कि हम लोगों की दोस्ती कायम रहे, तो आज के बाद ये चोरी डकैती इस तरह की कोई घटिया हरकत नहीं करोगे। अदनान बाबू, ओ तू परेशान ना हो, ओए जा ठंडा पानी ला, बल्कि एक काम कर, खोखे से ठंडी बोतल लेकर आ, ठीक है? बैठो बैठो अदनान बाबू, बैठ जाओ यार, ठंडे हो जाओ। ओ तुम परेशान ना हो, जैसा तुम कहोगे ना वैसे ही करेंगे, और तुम्हें आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। क्यों कासू? ठीक है बाबू अदनान, ठीक है, माफ कर दे हमें, सही हो जाए। रमा, रमा। जी आंटी। जरा इधर आओ। जी बैठो। मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन? कैसी इन्फॉर्मेशन? ये इस लड़की को जानती हो तुम? ये तो तानिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मगर आप क्यों पूछ रही हैं इसके बारे में? नहीं मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी शादी में इनवाइटेड थी, इसे इनवाइट किसने किया था? तुमने, रामिस ने या फिर राहिल ने? मैंने और रामिस ने इनवाइट किया था, पापा भला क्यों इनवाइट करेंगे इसे? वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आखिर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी भी तो है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग सब एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? जी हम सब एक साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं समझी नहीं आपके बात का मतलब। लेकिन मुझे जो समझना था वो मुझे समझ आ गई है, बस इतना ही मालूम करना था। तुम जाओ, जो तुम काम कर रही थी करो, जाओ। ये भी नहीं है। हाँ ये है दोस्त कर।
अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। आओ आओ अंदर आओ। अम्मी ने खीर बनाई थी तो सोचो अपने दोस्त को भी दे आऊं। वाओ, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा आपको इस वक्त ऐसे अकेले तो नहीं आना चाहिए था ना? दोस्त, एक गली का तो फर्क है, कौन सा रात होने वाली है, और देखो बाहर गली में तो बच्चे भी खेल रहे हैं। बातें तो बहुत मजे की करती हैं आप। आप क्या घर पे अकेले रहते हो? जी, ना मेरी मामा हैं, ना मेरे बाबा हैं, कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। झूठ। झूठ? मैं हूँ ना आपकी दोस्त। ओह यस, और ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त है जिसका नाम है चंदा। अब बताओ मेरी दोस्त क्या खाएगी, मैं आपके लिए लेकर आऊँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, अम्मी ने बोला था कि खीर दे के जल्दी से घर वापस आ जाना। तो ठीक है, फिर हम जल्दी से आपको आपके घर छोड़ कर आते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ, आ जाओ। क्या समरा आंटी तानिया के बारे में बात कर रही थी? हाँ। तानिया साहब, उन्हें क्या तकलीफ हो सकती है? पता नहीं, वो मुझसे ये पूछ रही थी कि तानिया को हमारी शादी में हम दोनों ने इनवाइट किया था या फिर राहील पापा ने। वो ऐसा क्यों पूछ रही थी? तानिया साहब, उन्हें क्या मसला हो सकता है? हेलो। जी मैम, मुझे राहिल की पीएस तानिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो तानिया? हाँ तानिया, मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए। जी मैडम, उसका आईडी कार्ड है हमारे पास, मैं उसका एड्रेस चेक करके आपको अभी सेंड करता हूँ। जल्दी करो। भाई साहब, ये एड्रेस कहाँ पर है? ये इस तरफ उल्टे हाथ में। उल्टे हाथ थोड़ा सा आगे। अच्छा, शुक्रिया। क्या हुआ, किससे मिलना है? ये तानिया का घर है? हाँ, यही था। था मतलब? सुना है जिस ऑफिस में काम करती थी उनके बॉस ने अच्छी सोसाइटी में घर लेके दिया, तब से दोनों माँ बेटी वहीं शिफ्ट हो गई हैं। नहीं सोसाइटी?
सुना है जिस ऑफिस में काम करती थी उनके बॉस ने अच्छी सोसाइटी में घर लेके दिया, तब से दोनों माँ बेटी मैं ही शिफ्ट हो गई हैं। अंदर चलो कपड़े प्रेस करने। रुको, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देके जाओ कि तुमने अपनी दोस्त तानिया को किस साजिश के तहत अपने बाप की झोली में लाके डाला है। What? शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, मेरे बराबर लाके खड़ा कर दिया उसे। बस अब अगर एक लफ्ज भी मेरे या रमा के या हमारी फ्रेंड तानिया के बारे में बोला अच्छा नहीं होगा आपके लिए। चलो अदनान बाबू, सच कहते हैं सियाने लोग, ये मोहब्बत ना इंसान पे बड़ा असर डालती है। मेरे जैसे बंदे की मोहब्बत में ना इंसान बिगड़ जाता है, और तेरे जैसे अच्छे बंदे की सोहबत से इंसान संवर जाता है। अदनान बाबू, तुमने तो हमारा सोया हुआ जमीर जगा दिया है, हमने भी पक्का फैसला कर लिया है, हम किसी मजबूर और बेकस को नहीं लूटेंगे, और लूटेंगे भी तो उसको लूटेंगे जो दूसरों को लूटता है। मैं भी क्यों लूटेंगे, अगर कोई गलत है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसके साथ गलत करें। अगर कोई बुरा है तो ये उसका कैरेक्टर है, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम जिम्मेदार हैं अपने किए, हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या हमारी वजह से कोई तकलीफ में तो नहीं है। ओ बाऊ, इतने फरिश्ते नहीं बन सकते हम है? कि सबको खुश करते फिरें, और तेरे कहने पे ना बस ये कर सकते हैं कि छोटी मोटी वारदातें नहीं करेंगे, एक ही बार कोई बड़ा काम करेंगे ताकि ये छोटी मोटी वारदातें हमें करनी ना पड़े। बस तुम कभी भी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। वो दरान बाहू, वो फिर कोई तकरीर ना सुनाने बैठ जाना, चल बैठक में चल के ताश की बाजी लगाते हैं। चल नहीं, रात बहुत हो गई, तुम लोग जाओ, मुझे मुझे सोना है। जैसे तेरी मर्जी बाबू, ठीक है फिर सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह, रब राखा। चल भाई कासू, आ जा। अरे बस कर जा बेटा, बस कर जा, जा तू जाके सो जा, सुबह तूने ऑफिस भी जाना है ना। अम्मी आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आप तो मुझे बहुत बीमार लग रही हैं। अरे बेटा, बुढ़ापा ही एक बहुत बड़ी बीमारी है, और फिर मौत को तो बहाना चाहिए ना बीमारी का। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मौत भी तो बरहक है ना, उसे याद रखना जरूरी है। मैं मरने से नहीं डरती, डरती हूँ तो सिर्फ इस बात से कि मेरे बाद तू अकेली रह जाएगी। अम्मी खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। यही तो एक मसला है जिंदगी का, हम ख्वाबों और ख्वाहिशों में जीते हैं और मौत को भूल जाते हैं। मौत हमेशा याद रखनी चाहिए। बस मैं तो मरने से पहले ये चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी तेरे साथ शादी कर दूँ, बस यही मेरी ख्वाहिश है।
तानिया, मेरे बच्चे। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रहा? हाँ जी पापा, मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्या हुआ, बोलो, खैरियत? वो बात यह है कि आप तानिया को जॉब से फारिग कर दें। क्या हुआ, कोई मसला है? हाँ पापा, एक्चुअली आंटी समरा हमारी फ्रेंड तानिया पे शक करती हैं। शक? कैसा शक बेटा? वो रामेश से कह रही थी कि किसी साजिश के तहत रामेश ने अपनी फ्रेंड तानिया को अपने बाप की झोली में डाला है। उस बेचारी को इस तरह जलील करने से बेहतर है ना कि आप उसे जॉब से निकाल दें। डोंट वरी बेटा, मैं समरा से बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी। समरा, तुम्हें क्या जरूरत थी बच्चों से ऐसे बात करने की? तुम्हें भी क्या जरूरत थी अपने बच्चों जैसी लड़की को नया घर लेके देने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें राहिल, जरा भी एहसास नहीं हुआ अपनी और उसकी उम्र का? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया समरा कि तुमने मुझे मेरी बहू और बेटे की नजरों में गिराना शुरू कर दिया? तुम सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि मेरी नजरों से भी गिर गए हो। समरा चिल्लाओ मत, सब मालूम हो गया मुझे तुम्हारे करतूतों के बारे में कि कितने अय्याश आदमी हो तुम। अपनी जबान पे कंट्रोल करो समरा। तुमने पर्सनल सेक्रेटरी के नाम पर तानिया को अपनी रखेल बनाकर रखा हुआ है। समरा निकल जाओ मेरे कमरे से। What? Out. As you wish. तानिया, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। दरअसल मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। जी सर। अच्छा सुनो, मैं बाहर आके तुम्हें टेक्स्ट करूँगा तो तुम आ जाना बाहर। जी सर। सर, आप कह रहे थे कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया। तो कोई बिजनेस, कोई क्लाइंट भी आ रहा है?
नहीं, वो मेरा मतलब था कि अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाती मीटिंग के लिए। कोई नहीं आ रहा, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा। लेकिन सर आप कह रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। काम तो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो किसी क्लाइंट के साथ नहीं, तुम्हारे साथ। मुझसे? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे थे बहुत ज़रूरी काम है और अब आप कह रहे हैं कोई क्लाइंट भी नहीं आ रहा, तो सर। देखो तानिया, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं, सीधी सी बात करता हूँ। दरअसल मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ।